देखिए, लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे, और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी संजय सिंह के बारे में नहीं कहा, 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। आपने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी आज पैनल एडवोकेट का। देखिए, मैंने देखा है कि ईडी के मामले जो संजय सिंह जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चले, उसमें कई मामलों में जो ईडी के वकीलों की जो लिस्ट लिखी है उसमें बांसुरी स्वराज का नाम है। अब ये बताइए कि भाजपा की प्रवक्ता हैं बांसुरी स्वराज, भाजपा की नई दिल्ली की प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। कल ही हम कह रहे थे कि ईडी और भाजपा एक है, आज ये साफ हो गया। ये जो नौटंकी कर रहे थे कि ईडी स्वायत्त संस्था है, अरे भाई तुम्हारे लोग उसके अंदर वकील हैं, काहे की स्वायत्त संस्था है ईडी। देखिए, जहां खुल्लम खुल्ला ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े और इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया, वो ईडी को नहीं दिख रहा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डला हुआ है, वो ईडी को नहीं दिख रहा। शरद रेड्डी से 55 करोड़ रुपए लिख ले लिए, वो नहीं दिख रहा। और झूठे सच्चे जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर ईडी जो है कहानी सुना रही है। ईडी की बकवास अब देश के लोगों ने सुननी बंद कर दी। ईडी ने ही एक और मामला जो है मोइत्रा की हम बात कर रहे हैं, हीरा नंदानी के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया, फेमा के उल्लंघन का, जैसा कि आप जानते हैं पूरा मामला है, पहले उन्हें समन भी भेजे जा चुके थे। देखिए, ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, जैसे एक यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, ऐसे ये ईडी विंग है, बीजेपी का है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो, बाद में चार्जशीट हो, बाद में फैसला हो, मगर पहले गिरफ्तार कर लें। तो वही नाटक जो है वो चल रहा है। थोड़ा बात करें तो राहुल गांधी ने एक आग वाला बयान दिया था, प्रधानमंत्री ने उस पर पलटवार किया है, और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना जो चार्जशीट। देखिए, मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहे, उन्होंने देश के लिए क्या किया ये बताने के लिए उनके पास नहीं है। महंगाई कम क्यों नहीं हुई ये नहीं बताते, बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई ये नहीं बताते, रुपए की कीमत के हिसाब से डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है ये नहीं बताते, देश का जो वो है कर्जा है वो कई गुना बढ़ गया वो नहीं बताते, 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का वापस कर दिया वो नहीं बताते। अरे आपने क्या किया वो बताइए। किसी ने किसी को क्या कह दिया, मुझको किसी ने गाली दे दी, मैं बहुत बेचारा हूँ, ये सब बातें जो है शोभा नहीं देती। आपने जो काम किया है वो बताइए। प्रचार को लेकर निशाना साधा है, प्रचार के पापा कहते हुए, जिसमें ये कहा गया था कि मोदी ने युद्धों का फंसे भारतीयों को निकाला, ऐसे विज्ञापन की बात। अब देखिए, सब लोग आजकल भारतीय जनता पार्टी की एडवर्टाइजमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा दी, और मणिपुर में दंगे होते रहे, मोदी जी उसको रुकवा नहीं पाए। तो ये तो आज सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा है कि एक समय था जब भारत दूसरे नंबर पर और चीन पहले, और पीओके और चीन के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों के लिए उन्होंने नेहरू की गलतियों का अतीत का हवाला देते हुए कहा। देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, जयशंकर पूरी तरीके से फेल हुए हैं। उनके बस की चीन के विरोध में एक शब्द कहना नहीं है। चीनी कंपनियों का व्यापार देश में बढ़ता जा रहा है, चीनी कंपनियों के व्यापार की वजह से देश का व्यापारी मर रहा है, देश का इंडस्ट्रियल
जो छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला आदमी है वो मर रहा है, मगर जयशंकर जी के बस की बात नहीं है कि चीन के विरोध में कोई बात कह सके। इस तरीके से कमजोर फॉरेन मिनिस्टर देश का नुकसान कर रहा है। शरद पवार ने घोषित आपातकाल है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करने की योजना। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहने लगे हैं कि अगर हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। ये बहुत खतरनाक बात है और मुझे लगता है इसी कारण लोग इनको सत्ता में नहीं आने देंगे।